Hey guys, welcome back. We continue our video that early experiment. Now second experiment will be done by John Ingenhousz in 1732-1799. That time, what is the important key line of this experiment is that he say that sunlight is essential to the plant process that somehow purify the air fold by burning candle या breathing animal. Okay, तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक हो सकता है और वो क्या है वो आप देखिए. अब पहले इसने बोला कि सनलाइट जो है वो एसेंशियल है प्लांट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या सनलाइट किस लिए? टू द प्रोसेस फॉर दैट समहाउ प्यूरिफाई द एयर, यानी एयर को प्यूरिफाई करने के लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है. ओके, और सनलाइट होगी तभी जाके प्रोसेस एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है, तभी जाके वो उसको अपनी ब्रीथिंग एंड जो फोल्ड एयर होगा उसको प्यूरिफाई कर पाएगा. एटमोसफेयर से CO2 को तभी तो ले पाएगा क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज करेगा, और ऑक्सीजन तो तभी रिलीज होती है जब फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी होती है. दैट्स व्हाई, और फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी के लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है. तो ये चीज आप समझें. ओके, यानी मैंने ये कहा कि जब CO2 प्लस H2O कंटिन्यूसली बन रहा होता है तो ग्लूकोज बनता है, और इसको बनाने के लिए यहाँ पे सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम लाइट कहते हैं. ओके, जो सनलाइट होगी तभी जाके ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगी. और यहाँ पे जो प्लांट के पास आसपास में, यानी एक प्लांट के नियर बाय जितनी भी एयर होगी, एक प्लांट के अगर नियर बाय जितनी एयर होती है उस एयर को ये प्यूरिफाई करेगा. कौन? ये प्लांट. कैसे करेगा? अगर यहाँ पे CO2 प्रेजेंट है, यहाँ पे CO2 एटमोसफेयर में प्रेजेंट है, तो सनलाइट की प्रेजेंस वजह से वाटर को तो ये सॉइल से इंटेक कर रहा है, और दोनों की वजह से क्या करेगा, इन दोनों को ऑक्सीजन को यूज कर लेगा, और फिर बाद में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लेगा और ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा. तो यहाँ पे एक टाइम पे फिर बाद में किसका अमाउंट इंक्रीज होने लगेगा? ऑक्सीजन का अमाउंट इंक्रीज करने लगेगा. ओके, तो ऑक्सीजन का अमाउंट जैसे इंक्रीज करने लगेगा तो एटमोसफेयर में ऑक्सीजन के अमाउंट क्या हो गए? इंक्रीज कर गई. यानी उसने इस एयर को क्या कर दिया? प्यूरिफाई कर दिया. ओके, जो दोनों में से कोई एक इसको वो कर रहा है, चाहे बर्निंग कैंडल हो या ब्रीथिंग एनिमल हो. इसने एक एक्सपेरिमेंट किया. किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया? हम उसको डिटेल कर रहे हैं कि इसने एक एक्सपेरिमेंट किया. वो एक्सपेरिमेंट किया इसने एक एक्वेटिक प्लांट के ऊपर. कैसे किया थोड़ा उसको समझ लेते हैं भाई, उसने एक्सपेरिमेंट कैसे कर लिया. तो इसने जो एक्वेटिक प्लांट था, आपके पास एनसीईआरटी में नहीं लिख रखा है. ओके, जब वीडियो देखते हैं और एनसीईआरटी लेके बैठते हैं तो उसको समझते वक्त लिखने का यही एक इंपॉर्टेंट वे होता है कि हम कैसे इस चैप्टर को और वीडियो को हैंडल करें. तो आप कुछ ना करें एनसीईआरटी के अंदर. मैंने बोला एनसीईआरटी की की लाइन यूज कर रहा हूँ, तो आप एनसीईआरटी की लाइन को यूज करें. उसमें से जनरली मैंने यहाँ पे लिखा एक्सपेरिमेंट ऑन एक्वेटिक प्लांट. ओके, अब एक्वेटिक प्लांट कौन सा भाई, कौन सा? क्या आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ तो उस एनसीईआरटी में जो प्लांट का नाम लिख रहा था उसको आप यहाँ पे लिखें. उस प्लांट का नाम है हाइड्रिला. ओके, उस एक्वेटिक हाइड्रिला प्लांट के ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया. और हाइड्रिला प्लांट के ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया किस टाइप से पता लगा? उसने क्या किया, हाइड्रिला प्लांट की जो लीफ थी उसको उसने लाइट और डार्क दोनों फेज में रख के देखा, एंड डे और नाइट दोनों में उसने उसको यूज किया. तो उसने क्या किया, जब डे टाइम में उसने लीफ को रखा तो उसकी लीफ के जो हमने लास्ट गटेशन पढ़ा था, और गटेशन में हमने पढ़ा था कि लॉस ऑफ वाटर, गटेशन वाटर ड्रॉपलेट जो होती है उसके वेंट्रलेट के टिप पे इकट्ठी हो जाती है. ओके, उसी टाइप से इस हाइड्रिला प्लांट की जो लीफ होती है उसके जो वेंट्रलेट्स के एंड होता है उस पे क्या होता है, वाटर का डिपोजिशन हो जाता है. आफ्टर दैट जो जॉन इंगेंहाउज़ था उसने उसको चेक किया और देखा कि ये लाइट की प्रेजेंस में ही बनती है. यानी जो वाटर ड्रॉपलेट्स का जो फॉर्मेशन होता है एक लीफ के ऊपर वो कब होता है? ओनली प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, डार्क में नहीं होता. क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस होती है. बाद में जॉन इंगेंहाउज़ ने कैसा पता लगाया कि ये है क्या, तो उसने चेक करा तो उसको पता चला कि ये तो ऑक्सीजन की ही ड्रॉपलेट्स है. तो उसने ऑक्सीजन की ही ड्रॉपलेट्स को कहा, इसलिए तो ये अपनी लाइन में कह रहा है कि एयर को प्यूरिफाई करने के लिए सनलाइट रिक्वायरमेंट होती है. ओके, तो बबल्स किस फॉर्म में थे? वो बबल्स किसके थे? ऑक्सीजन के. तो आपको एक चीज याद रखनी है, बाकी आपका ये जॉन इंगेंहाउज़ की डिटेल खत्म. जूलियन वॉक्स एक्ट क्या था, ये भी एक साइंटिस्ट है, आपने 12th चैप्टर में इसको डिटेल करेंगे बाद में. इस जूलियस वॉक्स एक्ट ने क्या कहा कि इसने प्रोवाइड किया एक एविडेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट ग्रो. जब प्लांट बढ़ रहा होता है तो उसके अंदर ग्लूकोज का अमाउंट क्या हो रहा होता है, बन रहा होता है.
कैसे? प्लांट एक छोटा लीफ, उसकी छोटी लीफ होती है, और जैसे जैसे उसकी लीफ बढ़ रही होती है तो प्लांट के अंदर फूड प्रोडक्शन भी, यानी फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और फोटोसिंथेसिस अगर बढ़ जाएगा यानी सनलाइट, सनलाइट एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट की पहले लीफ इतनी सी थी, आफ्टर सम टाइम इसकी लीफ जो है उसका साइज इतना बढ़ गया, तो लीफ का साइज बढ़ गया तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, होगा नहीं होगा, तो उसी वजह से यहाँ पे क्या है, फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है। तो इसने बोला कि फूड के जो, इसने एक एविडेंस प्रोवाइड किया कि जैसे जैसे प्लांट का ग्रो करता है तो उसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन भी होने लगता है। अब इसने ये बोला कि हम जनरली जानते हैं कि प्लांट के अंदर जो ग्लूकोज होता है दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो हाँ भाई, जूलियन वॉक्सर ने कहा कि जो प्लांट के अंदर ग्लूकोज होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, इसने ये चीज भी कही। अब इसने एक चीज ये कही कि कहां पे ग्लूकोज का, सॉरी फूड का फॉर्मेशन होता है, ओके, यानी ये वाले प्रोसेस कहां इन्वॉल्व होती है। तो ये इसने कहा, जूलियन वॉक्सर ने कहा कि ये जो प्रोसेस होती है ना, ये पूरी की पूरी क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रही होती है, सारे के सारे प्रोसेस क्या हो रही है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, है ना, क्लोरोफिल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर एक्टिविटी हो रही होती है, जहां पे आप ग्राना के बारे में पढ़ते हो, ओके, स्ट्रोमा और ग्राना, तो ग्राना के अंदर इसका फॉर्मेशन हो रहा होता है, और ग्राना के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जहां पे ये वाली एक्टिविटी हो रही होती है। तो जॉन इंगेनहाउज़ ने ये डिटेल कही, और ये हमारा इस दो साइंटिस्ट का था। नेक्स्ट जो आपका अर्ली एक्सपेरिमेंट का वो हुआ, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पज ऑफ पीएमटी, जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, वो पीएमटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों, और समझने के लिए बहुत आसान और बहुत अच्छा है, तो आप उस पर थोड़ा फोकस करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, एंड लाइक शेयर एंड कमेंट, थैंक यू।